क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी की धूम हर कहीं देखी जा सकती है। कान्हा जी के जन्मदिन के इस मौके पर देश भर में धूमधाम से सजावट की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष अंदाज में भक्ति संगीत से कान्हा जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी जाती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व प्रत्येक हिंदू के लिए एक विशेष दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण भगवान को भक्ति भाव से प्रसन्न करने पर संतान समृद्धि एवं अधिक उम्र की प्राप्ति होती है। सभी हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के पावन पर्व को भगवान श्री कृष्ण की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं, और कृष्ण जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में मथुरा नगरी में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रहार से प्रजा काफी दुखी थी, इसलिए दीन दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तथा उन्होंने कंस का वध किया। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? जन्माष्टमी के पर्व पर होने वाली चहल पहल पूरे भारत में देखी जाती है। इसके साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी वहां जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। भक्तों द्वारा जन्माष्टमी के इस पर्व पर उपवास रखा जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झूलाया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर युवाओं में इस दिन दही हंडी तोड़ने का जोश देखा जाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तथा मंदिरों में श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरी मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के पर्व की चमचमाहट नजर आती है। मंदिरों को फूल मालाओं से खूब सजाया जाता है। रात में मंदिरों में लगी लाइटों से कृष्णा नगरी भव्य लगती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।